Hello, good morning students. Welcome to online English class. We have already completed 7 lessons in textbook. Okay, so today I am going to start grammar. Okay, some topics in grammar. So see first one, parts of speech. Okay, students, you all know well, there are 8 parts of speech. Parts of speech ke kitne parts hote hain? 8 parts hote hain. और आप सभी के बारे में जानते हैं, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, एंड कंजंक्शन हमारा संयोजक है, इंटरजेक्शन संबोधन है. ठीक है, तो हम अब इसके बारे में एक एक करके जानेंगे. वैसे कुछ बेसिक चीजें आप लोग क्लास 3 में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक एक टॉपिक लेंगे और इसे हम देखेंगे. ओके, नाउ सी फर्स्ट वन, नाउन. यू ऑल नो अबाउट नाउन. नाउन क्या है? सबसे पहले आप ये इसके बारे में आप क्लास 1 से पढ़ रहे हैं. नाउन इज द नेमिंग वर्ड. ओके, और इसकी डेफिनेशन सारे बच्चे लगभग जानते होंगे. नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स एक्सेट्रा. तो ये नाम होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इन सबका. तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड. ओके, अब हम इसके काइंड्स को देख लेते हैं, ये कितने प्रकार का होता है. ठीक है, सो हियर देयर आर 5 काइंड्स. ओके, सो सी वन बाय वन. प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक. ठीक है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं. इसमें सिर्फ व्यक्ति ही नहीं है, इसमें जो भी हमारा नाउन की जो डेफिनेशन होती है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, तो जो भी है उसमें हमारा वो क्या होता है, विशेष होता है, वो हमारा खास होता है, यूनिक होता है, और उसको हम लोग उसके नाम से लिखते हैं. ठीक है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, व्यक्तिवाचक. वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, चाहे वो किसी जानवर का नाम हो. तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. और कॉमन में आप जानते हैं, कॉमन मीन्स होता है साधारण, ये हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा. ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा में हम किसी खास व्यक्ति और वस्तु की बात नहीं करते, बल्कि जो कॉमन होता है, जो साधारण होता है, जो सभी में होता है, तो वो उस चीज की हम यहाँ पर बात करते हैं. ठीक है, तो एक और चीज है, प्रॉपर और कॉमन नाउन में जो अंतर है सबसे बड़ा, आप आराम से पहचान सकते हो कौन सा प्रॉपर है और कौन सा कॉमन है. यहाँ प्रॉपर नाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं. ठीक है, वो चाहे किसी भी सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना हो, उसे हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं. ठीक है, वो यूनिक होता है, वो खास होता है, किसी का नाम होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया राम, ये व्यक्ति का नाम है. दिल्ली, ये जगह का नाम है. आप इसकी जगह आप कोई भी नाम ले सकते हैं, किसी भी लड़के लड़की का, किसी का भी. यहाँ पर स्थान में आप कुछ भी लिख सकते हैं, सुल्तानपुर है, कादीपुर है आपका, फैजाबाद, कोई भी शहर. फिर यहाँ पर आप जब वस्तु की बात करते हैं, तो हम पेंसिल है, हमारे नटराज है, पेन है, तो कौन सा ब्रांड है. फिर कोई जानवर है तो उसका नाम क्या, क्योंकि लायन टाइगर, तो वो उनकी क्या हो गई, एक जाति हम बता रहे हैं जो हम कॉमन में रखते हैं. लेकिन यहाँ पर अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक को बताना है, तो वहां हमें उसे उसके नाम से बताना होगा. ठीक है, तो तभी वो प्रॉपर नाउन होता है. कॉमन में मैंने अभी आपको बताया कि ये जातिवाचक संज्ञा होता है, किसी जाति विशेष को ये दर्शाता है. जैसे हमने गर्ल लिखा, तो ये पूरी लड़की समूह की बात कर रहा है, मतलब लड़की जाति की बात कर रहा है. बॉय उसमें कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नहीं है. रैट, कैट, सिटी, ये शहर है, तो शहर में कोई भी शहर हो सकता है. बाजार है, कोई भी बाजार हो सकती है. मार्केट, ठीक है. हॉस्पिटल, तो अगर कोई नाम से लिखते हैं तो वो प्रॉपर है, लेकिन हॉस्पिटल है, चौराहा है, कुछ भी है इस तरह से, तो उसे हम कॉमन में रखते हैं, कॉमन नाउन है हमारा. नेक्स्ट आपका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और ये हमारा अमूर्त होता है, मतलब ये हमारी केवल फीलिंग्स हैं, जो भी हैं
उसको शो करता है। इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता जिसे हम छू सकें, जिसे हम देख सकें, टच कर सकें, मतलब इस तरह की इसके अंदर प्रॉपर्टी नहीं होती, इसमें गुण नहीं होता है। तो जिसे हम छू ना सकें, देख ना सकें, और उसे केवल हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसका यूज इस नाउन में नहीं होता है। ना हम उसे देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना हम उसका स्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं होते। ये केवल हमारी फीलिंग होती है, ठीक है, हमारी भावना होती है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। जैसे हमारा ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, किसी की ईमानदारी को हम छू देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी, सुंदरता, उसको हम छू नहीं सकते, उसे हम सुन नहीं सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी सुंदरता, ठीक है। फेद, विश्वास, ट्रुथ, ठीक, विजडम, बुद्धिमानी, तो ये सब हम छू नहीं सकते हैं, ये सारी चीजें हम महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आते हैं हम मटीरियल, ये पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। कोई भी इसमें पदार्थ हो सकता है, वो चाहे पानी है, सोना है, और कोई भी हीरा मोती माणिक, ठीक है, दूध, इस तरह से कोई भी पदार्थ हो सकता है। कुछ हमें जमीन के जमीन पे मिलते हैं, कुछ जमीन के नीचे मिलते हैं, कुछ हवा में मिलते हैं। तो इस तरह से जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम इस श्रेणी में रखते हैं, उन्हें हम मटीरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। जैसा नाम से ही हमें पता लग रहा है, ये समूह है, ये कलेक्शन होता है। कलेक्शन किसका होता है, व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, पंछी का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, किसी का भी समूह। जब कोई ये कोई वस्तु है समूह में होता है तो उसका एक नाम होता है, चाहे व्यक्ति है अगर वो समूह में है उनका एक नाम होता है। तो अलग अलग जो हमारा यहाँ पर कैटेगरी है, ठीक है, उसको वो जब एक समूह में आते हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर हम नाम देते हैं, उसे हम कलेक्टिव नाम कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब लोग, ठीक है, हम पीपल मीन्स क्या होता है, लोग यानी जो व्यक्ति हैं उनका जब समूह होता है, ठीक है, तो उन्हें हम पीपल के नाम लोग कहते हैं। और जब लोग यानी काफी लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उन्हें हम भीड़ कहते हैं। जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो हम उसे क्राउड का नाम देते हैं। बर्ड्स हैं उनका एक समूह है तो फ्लॉक हो जाता है। इसी तरह से बंच, बंच हमारा अंगूर का भी हो सकता है, ग्रेप्स का भी हो सकता है, चाबियों का, इसको गुच्छा कहते हैं। फिर बुके ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, तो अलग अलग सारी चीजों के लिए एक नाम है पर्टिकुलर, समूह में जब वो होते हैं तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड स्टूडेंट्स टुडे यू हैव टू राइट काइंड्स ऑफ नाउन, ओके, अच्छे से इसे आप पढ़ेंगे, लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। तो आज आप ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी को ये पता होना चाहिए क्या है नाउन, आप डेफिनेशन इसको लिखेंगे, याद करेंगे, और जितने भी इसके पार्ट्स हैं, काइंड्स हैं, वो उन्हें आप अच्छे से लिख करके याद कर लेंगे, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो आई विल गिव यू नेक्स्ट टॉपिक, ओके, थैंक यू।